हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन, जिनके प्रकाश उत्सव पे हम लोग आए हैं गुरुद्वारे। एक्चुअली अवनीत को यहाँ पे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी पिछले कुछ टाइम से कि हम लोग मंदिर और गुरुद्वारे नहीं जा सकते थे, बट अब सारी रिस्ट्रिक्शंस खुल चुकी हैं एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी टू कम हेयर। और मैं यहाँ पे अब मत्था टेकेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और कीर्तन सुनेंगे एंड देन विल गो बैक टू होम। सो गुरपुरब दी सबनू लख लख वधाइयां एंड दसम पिता हमारे जिन्होंने हमारे खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ आपको आसपास क्या अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर गुरुद्वारा है देहरादून में, काफ़ी बड़ा है, बहुत स्पेशियस है। एंड जब लास्ट टाइम मैं आई थी तब दिवाली थी, दिवाली के टाइम पे हम लोग आए थे, मैं और मेरा भाई, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेट किया हुआ था। और अभी चल रही है बहुत ज़्यादा विंड, जैसे कि आप देख सकते हैं पत्ते उड़ रहे हैं। तो अभी चल रही है बहुत ज़्यादा विंड, बहुत ज़्यादा विंडी हो रखा है। तो जल्दी से फ्रेश होके हाथ धोकर हम लोग थोड़ा मत्था टेकते हैं, मत्था टेक के थोड़ी देर बैठेंगे एंड देन विल लीव फॉर द होम, बिकॉज उसके बाद तो नाइट हो जाएगी तो हमें जल्दी से घर भी पहुँचना है। चलिए चलते हैं। गुरुद्वारे में मत्था टेक के हम लोगों ने चाय मिल रही थी गरम गरम, इट्स 6:30 अराउंड, तो हमने चाय भी पी ली है। अब लिविंग फॉर द होम। तो जी छपा छप बारिश, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने और अवनीत ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर यहीं पे ही रुकते हैं और थोड़ा सा बैठते हैं, जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की होगी देन जाएंगे, बिकॉज़ हम लोग अम्ब्रेला भी नहीं लाए थे अपने साथ और पार्किंग का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था और बारिश तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही है। आई वॉज़ थिंकिंग कि मैं यहाँ का आपको व्यू दिखाऊँगी, बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और मोर ओवर लाइट भी नहीं आ रही है। बारिश हल्की हल्की धीरे हो गई है, कार पार्किंग की तरफ जा रही हैं। गुरुद्वारा पता नहीं मैं नहीं दिखा पाऊँगी शायद आज से, बिकॉज बहुत ज़्यादा रेन हो रही है। दिस इज़ द एंट्रेंस, वन ऑफ द एंट्रेंस। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। तो मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ, अवनीत आ रही है उधर से और अब हमारी जानने की टर्न, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। बाय बाय बाबा जी, टिल द नेक्स्ट टाइम, जल्दी आवांगे आपा। तो रास्ते में चलते चलते बारिश हो ही रही है, तो काफ़ी दिन से एक्चुअली मन कर रहा था चाउमीन खाने का, तो अंगीठी वाला रूट मिला, तो अंगीठी से हम लेकर आए हैं चाउमीन, सोया चाप। हाँ, सोया चाप चाउमीन, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी मैं सोया चाप स्पेशली, चाउमीन मतलब। तो चलिए चलते हैं, अब प्रस्थान करते हैं घर की तरफ, काफ़ी लेट हो चुका है।
सॉरी हम अच्छे से व्यू नहीं दे पाए गुरुद्वारे का बिकॉज बारिश हो गई थी। जब हम निकले थे तब ऐसा कुछ नहीं था, धूप निकल रही थी, बिकॉज देहरादून के मौसम का कुछ पता नहीं है। नेवरदलेस नेक्स्ट टाइम। तो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट टू माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।